बिहार में 24 सीटों पर विधान पार्षद का चुनाव होना है, ऐसे में एनडीए के तमाम दल अपने अपने सीट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से डिप्टी सीएम बिहार के तारकिशोर प्रसाद जी ने कहीं ना कहीं जो मुकेश सहनी है बिहार सरकार में जो मंत्री है उनको ठेंगा दिखाने का काम किया और सीधे तौर पर कहा है कि एक भी सीट नहीं दी जाएगी। इस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो वीआईपी के प्रवक्ता हैं मधुकर जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सीटों को लेके तमाम पार्टी तैयारियां कर रही थी, दावेदारी कर रही थे, आखिर क्या कारण है कि बीजेपी ने सीधे तौर पे ना बोल दिया। मधुकर जी, 24 सीटों को लेके जो चुनाव होना है, तमाम सीट अपनी दावेदारी कर रहे तमाम दल, लेकिन जो डिप्टी सीएम तारकिशोर जी का बयान आया कि हम एक भी सीट नहीं देंगे, तो क्या करिएगा? बयान दिए हैं? हाँ बिल्कुल, नहीं दिए। वो बोले कि पिछली बार हमारा गठबंधन नहीं था, आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछली बार विधानसभा परिषद के चुनाव के वक्त हमारा गठबंधन नहीं था, तो उन्होंने गलत क्या कहा? पिछली बार हम लोग दल में थे, हमारे दल ही बोल दिए कि हाँ हम 24 सीटों पे अपने ही लड़ेंगे। वहाँ भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप क्या करेंगे, बोला कि वो जब नहीं देंगे तब हम लोग करेंगे, हम स्वतंत्र हैं 2400 सीट पर लड़ने के लिए। ये नहीं कहा कि हम 24 सीट पर लड़ रहे हैं, हमने अपनी जो मेरा हिस्सेदारी बनता है उसी पर दावेदारी करेंगे। हमारे हमें और मांझी जी और नीतीश जी सब एक दल में हैं, एक दल के हिसाब से हम लोग गठबंधन तय कर लिए हैं, और तय के हिसाब से जब एनडीए का बैठक होगा उसमें हम अपना ग्रीवांश रखेंगे। मिलेगा, मिलना चाहिए हमेशा। अच्छा एक बात सुनिए, मांझी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात और कहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में तो नहीं था गठबंधन, तो राज्यसभा में भी नहीं था पिछली बार, तो इस बार राज्यसभा भी चुनाव होगा, तो हम लोग भी वोट एनडीए के हिसाब से करेंगे ना। कहाँ आप लोगों को किनारा लगाया जा रहा है, बीजेपी में भी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव था उसमें भी तो भाव। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग गठबंधन है क्या? तो पिछले एक बात सुनिए, आप लोग तो मिल सकता था कैसे? जरूरी है, नीतीश जी अलग नहीं लड़ रहे हैं क्या? आप लोग बात का इशू बना रहे हैं, आप लोग नीतीश जी अलग नहीं लड़ रहे हैं, हाँ या नहीं? वजूद नहीं है, वजूद नहीं है, बीजेपी का कहना वजूद के हिसाब से ना मिलता, उनके प्रवक्ता नेता तो बोल जब बीजेपी वजूद रहेगा तब ना मिलेगा। कि कुछ बातों का जवाब शीर्ष नेतृत्व ही दे तो अच्छा लगे, हम लोग बोल देंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। बहुत बातों का इशू नहीं बनाना, अपनी बातों को ही रख रहे हैं। इसलिए क्या अगर डिप्टी सीएम साहब बोले हैं तो उसका प्रतिउत्तर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन नहीं था पिछली बार विधान परिषद चुनाव में, तो जदयू के लिए भी बोला है ना। लेकिन आप एक बात सुनो, पिछली बार वो 20 सीटों पे लड़े थे, 13 जीते थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सीट उठ मिलेगा नहीं, आपको क्लियर कर चुके हैं बीजेपी के और भी नेता, क्लियर कर चुके हैं कि सीट उठ मिलेगा नहीं, सपना ना देखें। सपना आप लोग दिखा रहे थे 2020 चुनाव में भी, घबराइए मत कि 5 को सीट नहीं मिलेगा, 12 को मिला, और ये भरोसा रखिए मिलेगा, बीजेपी हम लोग को भी देगा और मांझी जी को भी देगा। कितना बार तो आप लोग को ऐसी, कब आपके हिसाब से कब? यूपी में भी कभी नहीं हुआ है, आपके पास गलत है। अरे यूपी में हमारा गठबंधन नहीं है यार, वी आर ट्राइंग ग्लोबल बेस्ट की हम लोग वहाँ बेहतर प्रदर्शन करें, उससे दोस्ती रखें, नहीं हो सकता है गठबंधन। तैयारी चलेगी, तैयारी चलेगी, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, ये नहीं कहेंगे हम 24 पर लड़ेंगे। आप लोग बातों को घुमाते हैं, मीडिया बातों को इंटरप्रेट कर रही है। उन्होंने कहा कि हम 24 सीट पर लड़ने के लिए स्वतंत्र है, उसके लिए कोई रोक है? नहीं, स्वतंत्र कोई, तो फिर बात खत्म है। देखिए सीधे तौर पे ये मधुकर जी थे, लगातार 24 सीटों पे जो चुनाव होना है, लगातार लोग दावा करें, सीट को लेकर दावेदारी करें, लेकिन जिस प्रकार से लगातार मतभेद देखने को मिल रहा है, अगर सीटें नहीं दी जाती है तो 24 सीटों पर वीआईपी कैंडिडेट उतारेगी और कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर तैयारियाँ जो है वो कर रही है। रोहित, NBC 24 पटना।